तो दोस्तों GTA 5 डाउनलोड कैसे करें लैपटॉप में, या हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन लैपटॉप। GTA का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और V का मतलब है वर्जन 5। ओके, तो GTA 5 डाउनलोड करने का तरीका क्या है, इसके बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और मैं आपको 5 स्टेप में समझाऊंगा कैसे आप लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन में GTA 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है GTA 5 डाउनलोड APK। अगर आप ये GTA जो गेम है इसको अपने एंड्रॉयड या iOS के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप जैसे टाइप करेंगे तो यहां पर एक वेबसाइट आएगी latestmodeapk.com, इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं आप लोग को यहां पर एंड्रॉयड के लिए और कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, मतलब तीनों डिवाइस के लिए GTA को कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बता रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्टफोन में GTA गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके फोन में कम से कम जो है 4GB रैम होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 कोर वाला जो है CPU होना जरूरी है और एंड्रॉयड वर्जन जो है 6.0 से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, इस गेम में GTA V गेम में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी हाई क्वालिटी HD ग्राफिक्स वाले होते हैं, काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है, गेमिंग का करेक्टर भी काफी अच्छा होता है, इसके अलावा कई सारे जो है ड्राइविंग के कंट्रोल मिलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक तरह से हाईइंग और हाई ग्राफिक्स वाला गेम है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके स्मार्टफोन में, तब आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो रिक्वायरमेंट आई थी वो आई थी PC के लिए, यानी कि लैपटॉप में GTA 5 को कैसे डाउनलोड करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है डाउनलोड GTA 5 फॉर PC हाईली। ओके, यहां पर टाइप कर देना है हाईली कंप्रेस्ड, ये आपको जरूर लिखना है, डाउनलोड GTA 5 फॉर PC हाईली कंप्रेस। जब आप यहां पर लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी mypcgames.net। ओके, GTA 5 डाउनलोड फॉर PC ये सब लिखा आएगा और इसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आएगा GTA 5 डाउनलोड फॉर PC 2023। ठीक है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके नेक्स्ट स्क्रीन पर जो है ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी mypcgames.net। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कुछ रिक्वायरमेंट, अगर आपके लैपटॉप में ये रिक्वायरमेंट जो यहां पर दी गई है उससे मैच खाता है तभी आप लोग को अपने लैपटॉप में GTA 5 गेम को डाउनलोड करना है, अदरवाइज आप लोग इसे डाउनलोड ना करें, इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपका जो लैपटॉप है वो क्रैश हो सकता है या फिर जो है हैंग करने लगेगा। ठीक है, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो CPU होना चाहिए GTA 5 के लिए वो होना चाहिए इंटेल कोर 2 क्वाड CPU Q6600। ओके, और इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.40 GHz, यानी कि 4 CPU वाला जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। यदि आपका लैपटॉप जो है AMD प्रोसेसर का है तो उसमें कम से कम 9850 क्वाड कोर प्रोसेसर वाला CPU होना चाहिए जिसकी स्पीड 2.5 GHz हो। साउंड कार्ड जो है वो हो चलेगा, CPU की स्पीड है वो इंफॉर्मेशनल के प्रोसेसर से है यानी कि नॉर्मली वो तो चलेगा ही चलेगा। रैम जो है कम से कम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4GB, 4GB से कम या 2GB वाले लैपटॉप में बिल्कुल भी इसको यूज मत कीजिएगा। जो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में फ्री डिस्क चाहिए वो चाहिए 65GB, मैं तो बोलता हूँ कि 100GB हो तो काफी अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए GTA 5 के लिए, देखिए विंडो 8.1 64 बिट चलेगा, विंडो 8 64 बिट चलेगा, विंडो 7 64 बिट सर्विस पैक या फिर विंडो विस्टा 64 बिट, ये मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट आपको बताई जा रही है। इसके ऊपर के सभी विंडोज के वर्जन में जैसे कि विंडो 10 विंडो 11 में ये सब चलने वाला है। ओके, तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग को अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में GTA 5 को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो सिंपली यहां पर नीचे देखिए लिंक में मिला है डाउनलोड GTA 2 फ्री फॉर PC, सिंपली आपको उसको क्लिक करना है। जैसे करेंगे यहां पर तो एक यहां पर जो है वेबसाइट ओपन होगी, सेम वही वेबसाइट ओपन होगी और यहां पर आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ये वाला जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा और यहां पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V जो है यहां पर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए रेड बटन पे एंड यहां पर ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 फ्री फॉर PC डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है,
विंडोज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। इसे आपको अपने डाउनलोड वाला जो फोल्डर है उसमें ले जाकर सेव कर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये जो गेम है 94 MB का आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। इसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर फोल्डर ओपन किया तो यहाँ देखिए जो है ये GTA 5 यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में GTA 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम के पतिपति और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।